वेलकम टू माई चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर लेटेस्ट क्यू कार्ड. सो अवर स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब अ हैप्पी मेमोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड और डिस्क्राइब अ हैप्पी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू रिमेंबर. कि कोई भी आपने अपने बचपन की जो हैप्पी मेमोरी है उसको डिस्क्राइब करना है या फिर कोई भी एक्सपीरियंस हो. सो यू शुड से व्हाट हैपन, कि हुआ क्या था, व्हेन एंड वेयर इट हैपन, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, हु यू वर विद, आपके साथ कौन था, एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज अ हैप्पी एक्सपीरियंस, और ये आपके लिए एक हैप्पी एक्सपीरियंस क्यों था. सो लेट सी द सैम्पल आंसर. विल रिमेंबरिंग हैप्पी मोमेंट्स ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन पीपल्स फेसिस. मीन्स कि अच्छे मोमेंट्स याद करने से हमेशा लोगों के फेसिस पे स्माइल आ जाती है, वो खुश हो जाते हैं. ऑल दो आई हैव अ वास्ट कलेक्शन, वास्ट मीन्स लार्ज, लार्ज कलेक्शन ऑफ मेमोरीज इन माई हेड. कि वैसे तो मेरे हेड में बहुत सारी कलेक्शन है. सम ऑफ देम आर स्वीट, कुछ स्वीट हैं, वाइल अदर्स आर सैड, कुछ सैड भी हैं. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ प्लेजरेबल मेमोरी. प्लेजरेबल मीन्स खुशी वाली. कि मैं यहाँ उस खुशी वाली मेमोरी को के बारे में बात करना चाहूँगा फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो कि मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी है. दैट इज़ अनफॉरगेटेबल, मतलब जो मैं नहीं भूल सकता. अनफॉरगेटेबल दैट मीन्स विच कैन नॉट बी फॉरगॉट. इट्स अ मैटर ऑफ दैट टाइम व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड. ये उस टाइम की बात है कि जब मैं 8 साल का था. माई स्कूल होस्टेड एंड इंटरनेशनल इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. होस्टेड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, कि मेरे स्कूल ने एक इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था. द थीम ऑफ द डांस वॉज ट्रेडिशनल, और डांस का थीम था ट्रेडिशनल. आवर डांस टीचर फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स टू परफॉर्म दिस डांस. फॉर्म्ड मीन्स बनाना, मेड, कि जो हमारे टीचर थे उन्होंने इस डांस को परफॉर्म करने के लिए 5 स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई. बट आई वॉज द वीक वन अमंग दैम, बट मैं उन 5ों में से एक तो था बट सबसे वीक था. एज आई डिडेंट नो द बेसिक्स ऑफ ट्रेडिशनल डांस, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल डांस के बेसिक्स नहीं पता थे. आई डिडेंट वॉन्ट माई टीम टू बी डिसअपॉइंटेड जस्ट बिकॉज ऑफ मी. कि मैं वीक था इसलिए मैं अपनी टीम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था. देन आई टोल्ड द होल सिचुएशन टू माई ग्रैंड मदर. तो मैंने ये सारी बात अपनी ग्रैंड मदर को बताई. शी अश्योर्ड मी, अश्योर्ड का मतलब होता है भरोसा दिलाना. शी अश्योर्ड मी दैट शी वुड असिस्ट मी इन दिस. कि उन्होंने मुझको भरोसा दिलवाया कि वो मेरी इसमें हेल्प करेंगी. असिस्ट मीन्स हेल्प करना. एज शी वॉज द विनर ऑफ ट्रेडिशनल डांस इन हर कॉलेज डेज, क्योंकि वो अपने कॉलेज डेज में ट्रेडिशनल डांस की विनर थी. आई वॉज एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज करना, ठीक है. कि टू फाइंड आउट, मेरे को जब ये पता चला कि जो मेरी ग्रैनी थी वो विनर थी ट्रेडिशनल डांस की, मैं बहुत ज़्यादा शौक भी था और खुश भी था. एंड एक्साइटेड टू लर्न, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उनसे सीखने के लिए. आफ्टर 7 डेज आई रीच द लेवल ऑफ माई टीममेट्स. और 7 दिन की प्रैक्टिस के बाद, 7 दिन के बाद, मैं अपने जो टीममेट्स थे, जो उनकी एनर्जी थी, उनका लेवल था, वहाँ तक पहुँच गया था. माई डांस टीचर प्रेज्ड मी अलॉट. मेरी डांस टीचर ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की कि मैंने बहुत मेहनत की है. ऑन कॉम्पिटिशन डे, और कॉम्पिटिशन वाले दिन, वी गेव अवर बेस्ट. कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज़, और फर्स्ट प्राइज़ जीत लिया. इट वॉज़ अ जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज ऑफ मेनली 2 रीज़न्स. ये मेरे लिए एक हैप्पी एक्सपीरियंस था, ये हैप्पी मोमेंट था, हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी थी, सिर्फ 2 रीज़न्स के कारण. द फर्स्ट वन इज़ दैट, पहला ये था, इट वॉज़ माई फर्स्ट विन. कि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट विन था, विच मेड माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी, जिससे मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड कर फील कर रहे थे. द अदर वन इज़ दैट, और दूसरा ये था कि कॉम्पिटिशन ब्रॉट मी क्लोजर टू माई ग्रैंड मदर. और इस कॉम्पिटिशन की वजह से मैं अपनी ग्रैंड मदर के और भी क्लोज आ गया था. फाइनली दिस वॉज अ मोस्ट वैल्यूएबल मेमरी. वैल्यूएबल मीन्स प्रेशियस. कि ये सबसे प्रेशियस मेमरी थी आई हैव फ्रॉम माई गोल्डन ईयर्स, जो मेरे चाइल्डहुड के गोल्डन ईयर्स थे उनमें से एक थी. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.